अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स ज़िदनी रबनी पैर का अलैहि वसल्लम की खूबसूरत दुआ के साथ लेक्चर का आगाज़ करते हैं आई होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन एंड इन बेस्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ वाई आई हैव सेड दिस स्टेटमेंट फॉर यू बिकॉज कि आज का लेक्चर थोड़ा सा ट्रिकी है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो एक बेसिक आर्किटेक्चर है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है देखते हैं कि अल्लाह इज़्ज़त की आर्किटेक्चर क्या है और उसका ये टर्निंग पॉइंट क्यों है इसके लिए वी हैव टू मूव टू दाइट बोर्ड यस माय डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर डिस्कसिंग चैप्टर ट्वेंटी थ्री एंड लेक्चर नंबर इज ट्वेल्व And article under under discussion is genetic code. Code क्या होता है you know my dear students, code का मतलब होता है एक खुफिया पैगाम एक खुफिया पैगाम ये खुफिया पैगाम क्या था यूनो वेरी लोगों ने बेसिकली डीएनए से बनवाया था आरएनए और आपको पता है कि जब हम डीएनए से आरएनए को बनवाते हैं तो प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन लास्ट लेक्चर हमारा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में ही था आप लोगों को याद होगा कि हमारे पास एक ही प्रोसेस से तीनों किस्म के आरएनए बनते थे खा हाँ वो मैसेंजर आरएनए था या वो ट्रांसफर आरएनए था और या फिर वो राइबोसोमल आरएनए था

दैट इज बेसिकली मैसेंजर आर एन ए तो एक खत जो एक न्यूक्लियस लिखता है किस को राइबोसोम को दैट वेरी खुफिया खत और कोडेड मैसेज इज बेसिकली मैसेजर आर एन ए तो अगर मैं क्या करूँ कि मैं एक मैसेंजर आर एन ए की डाइग्राम आप लोगों के सामने बनाऊँ तो ये समझ लें कि ये एक मैसेंजर आर एन ए है जिसके ऊपर पैगाम को कुछ इसी तरीके से लिखा गया है ये याद रखिए मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए एक बात कर रहा हूँ ये आपको एंड पे पता चलेगा कि सर डायग्राम बनाई हुई है लेकिन ये मैं बात को आपको एंड पे बताऊंगा लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट देना है कि अल्लाह रब क्या करते हैं कि तीन न्यूक्लियोटाइड का सेट बनाते राइट तीन न्यूक्लियोटाइड का सेट बन रहा है आप देख रहे हैं दिस इज इज द कोड सेट ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड्स ये क्या करते हैं कि ये मैसेज है किस चीज का कि यहाँ पे कौन सा अमाइनो एसिड आए इसका मतलब ही होगा कि जेनेटिक कोड इज अ कोडेड मैसेज टू व्हाट डायरेक्ट द टाइप ऑफ नेचर ऑफ अमाइनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ गिवन प्रोटीन राइट तो हम देखेंगे कि नेचर हमारे प्रोटीन्स को तैयार करने के लिए जेनेटिक कोड किस तरह लिख रही है दोबारा से डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ क्या क्या था लोगों ने? को करेंगे। तो आप लोगों को याद है कि हमने कहा था कि अगर हम डीएनए से डीएनए बनवाते हैं तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस का नाम क्या था रेप्लीकेशन लेकिन जब मैं डीएनए से क्या बनाता हूं आरएनए तो प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन और जब हम इस आर को यूज़ करके क्या करते हैं प्रोटीन बनाते हैं तो प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन आए आपकी समझ के लिए लिखते हैं दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन राइट और ये प्रोसेस क्या कहलाता था रेप्लीकेशन और ये प्रोसेस क्या कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है कि आप जब भी कोई डिग्री करते हैं तो आपको पहले एक रिजल्ट कार्ड मिलता है वो जो रिजल्ट कार्ड है उसमें भी आप लोगों के पास होने की आपके अच्छे स्कोर करने की नवीद दी जाती है आप लोगों को दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्ट बट इट इज नॉट द रियल सर्टिफिकेशन और डिग्री वो आपको बाद में इशू होती है आपको मैट्रिक की सनत बाद में मिलती है पहले आपको सिंपल रिजल्ट कार्ड मिलता है तो आप लोगों ने आप अपनी कामयाबी को दो तरीके से लिखा रिजल्ट कार्ड की फॉर्म में और फिर सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेटरत की फॉर्म में तो उस वाले केस में लैंग्वेज तब्दील नहीं हुई प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन लेकिन जब मैं निक्लोटाइड की लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता हूँ अमाइनो एसिड की लैंग्वेज में तो प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसलेशन यू समझ लो कि ये इंग्लिश है और ये उर्दू आप लोगों ने इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट करना है या इंग्लिश को फ्रेंच लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है या आप लोगों ने इंग्लिश को रशियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो जब आप एक लैंग्वेज को दूसरी में कन्वर्ट करते हो तो प्रोसेस कहलाता है तर्जुमा, ट्रांसलेशन तो जाहिर है जो इसके अल्फाबेट्स होंगे वो इसके अल्फाबेट के क्या होंगे मुताबिक होंगे तभी तो लैंग्वेज ट्रांसलेट होगी जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि जो अलिफ है मिसावे तौर पर वो एक के बराबर हो और जो बे है मिसाल मिसावे वो बी के बराबर हो और पे जो है वो सी के बराबर हो तो इस तरीके से हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स उर्दू के अल्फाबेट के बराबर होते चले जाएंगे या उसको मान ही देंगे राइट right. तो कहने का मकसद ये है कि हमने ये देखना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे एक निक्लोटाइड की जबान को एसिड की जबान में कन्वर्ट कर दिया आखिर इसकी ज़रूरत क्या है इसकी जरूरत सिंपल यही है कि अगर आप ये देखें माय डियर स्टूडेंट्स कि मेरे पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कितने है? कौन बताएगा आप में से तो आंसर इज वेरी परफेक्ट फोर चार ग्लोटाइड्स हैं मेरे पास सिर्फ चार सवाल ये है कि ये वाले न्यूक्लियोटाइड कौन से हैं क्या ये एट जी सी हैं या आओ जी सी हैं तो आपको पता है कि हमारे आर एन ए में हम बात कर रहे हैं आर एन ए से प्रोटीन बनवाने की तो हमारे आर एन ए में चार न्यूक्लियो इस्तेमाल होते हैं कौन से आओ जी सी एंड सी लाइंग में यहाँ पे इस्तेमाल होता है और आरएनए में यहाँ पे यू इस्तेमाल होता है सो इट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए तो हमारे आरएनए में क्या इस्तेमाल होगा चार निक्लियोटाइड एडिनिन यूरासेल ग्वानिन साइटोसिन बात आपको समझ आ गई तो ये वाले चार न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल होंगे लेकिन जब मैं देखता हूं कि मेरे पास नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हैं तो मैं चौंक जाता हूं राइट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हैं तो मुझे पता चलता है कि वो हैं ट्वेंटी अब सिर्फ मेरे पास चार ग्लोटाइड हैं और ट्वेंटी अमानो एसिड हैं आपको बताने के लिए आपको समझाने के लिए आपके कॉन्सेप्ट को जिला बख्शी के लिए बात कर रहा हूँ कि इनिशियली हम साइंटिस्ट लोगों ने जब ये देखा कि अमानो एसिड के नंबर तो बीस हैं और लोटाइड के नंबर सिर्फ चार है तो हम सोच में पड़ गए कि शायद जो जेनेटिक मटीरियल है वो क्या होगा प्रोटीन बिकॉज कि मेरे अंदर इतनी वाइटी है मेरी आंखों के इतने करेक्टर हैं राइट right? मेरे बालों के इतने करैक्टर हैं मेरे दांतों के इतने करैक्टर हैं मेरी बॉडी में बेस करैक्टर हैं शायद इतने ज़्यादा करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए इतनी ज्यादा वेरिएशन प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा वर्सटाइल नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए थे तो हम हमने सोचा कि शायद ज्यादा अमाइनो एसिड ज्यादा वेरिएशन प्रोड्यूस कर सकते हैं तो शायद प्रोटीन जेनेटिक मेटीरियल है ना के डीएनए लेकिन आपको याद होगा हमने प्रीवियस डिस्कशन में ये अंडरस्टैंड कर लिया था कि किसी भी तौर से प्रोटीन जेनेटिक मेटीरियल नहीं हो सकती सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल हो सकता है सो आफ्टर हैविंग कन्फर्मेशन के डी एन ए इज हेरिटेड मटेरियल और इट कंसिस्ट ऑफ ओनली फोर ग्रोटाइड्स तो अब क्वेश्चन ये था कि अगर हेरिटेड मटेरियल यही है अगर ये तय है कि ये हेरिटेड मटेरियल है तो फिर ये वाला मटेरियल हमारी प्रोटीन्स कैसे बनवाता है यानी कि हमारा जो एक टारगेट है वो ये अंडरस्टैंड करना है कि हाउ फो फोर न्यक्लियोटाइड्स कैन सक्सेसफुली कॉल कैन सक्सेसफुली खोड फॉर ट्वेंटी डिफरेंट अमाइनो एसिड तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे हम एक सिंपल रूल रूल लगाते हैं हमने ये बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास चार क्या हैं अमाइनो एसिड चार क्या हैं न्यूक्लियोटाइड है आओ जी सी वाले राइट right, तो फर्स्ट कर लेते हैं कि मेरे पास ये सोलह माइनो एसिड है एक माइनो एसिड को सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड से कॉल करूं तो क्या होगा मैं मैक्सिमम चार निक्लोटाइड से चार अमानो एसिड कॉल कर सकता हूं ये जो बाकी मेरे पास सोलह माइनो एसिड हैं दे विल नेवर बी कॉल्ड राइट इसकी भी साहब लेते हैं मिसाल के तौर पे कि अगर आप में से किसी का नाम फर्श कर लेते हैं शाहिद है तो राइट तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं फॉर एग्जाम्पल शाहिद को इस नाम से बुला लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल जाहिद को मैं इस नाम से बुला लेता हूँ फहद को मैं फॉर एग्जाम्पल इस नाम से बुला लेता हूँ और आमिर को मैं इस नाम से बुला लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल तो मैंने क्या किया है कि मेरी चार बंदों को ये चार डिफरेंट नेम असाइन कर दिया आप फर्स्ट कर लेते हैं कि मेरी क्लास के अंदर दो शाहिद आ जाते हैं तो अब क्या होगा कि मैं इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैसे समझ सकता हूं मैं कोशिश क्या करूंगा कि अगर मैंने एक ही वक्त में दो डिफरेंट बंदों को डिफरेंट नाम से बुलाना होगा तो मुझे शायद उनके फ़ादर के नाम को साथ अटैच कर देना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक है मोहम्मद शाहिद और एक है फॉर एग्ज़ाम्पल शाहिद महमूद तो फिर क्या होगा अगर मैं एक वक्त मोहम्मद शाहिद बोलूंगा तो फिर एक ही बंदा कॉल होगा दूसरा बैठा रहेगा बिकॉज कि उसके नाम तो मोहम्मद शाहिद नहीं है उसके नाम तो शाहिद महमूद है राइट right. इसका मतलब यह है कि अगर मैं अब दो दो लफ्ज़ों को आना शुरू कर दूँ तो एम्बिगुटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो उस पर्पस के लिए हम लोगों ने फिर कहा कि शायद जेनेटिक कोड क्या है डुपलेट है यानी कि वो दो दो डिटोटाइट के आपस में मिलने से बना हुआ है लेकिन जब हमने इसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए और हमारे पास ये एबिलिटी आए आई कि हम डिफरेंट किस्म के निक्लोटाइड्स को अपनी मर्ज़ी जोड़ के डिफरेंट टाइप से क्या बना सकते हैं पॉली डिक्लोटाइड चेन और उसे हम करवा सकते हैं ट्रांसलेट देख सकते हैं कि उससे कौन सा अमा कॉल होता है तो हमें यह पता चला कि बेसिकली डिटाटे कोड कैन नेवर बी डुप्लेट और इसकी एक और कॉज भी है कि अगर मैं दो दो तो डिक्लोटाइड को मिला के कोड्स बनाऊं तो वो सिर्फ और सिर्फ 16 बनते हैं इसका मतलब ये है कि अभी भी चार एसिड यू कैन से अमाइनो एसिड हैं that cannot be called जिन्हें मैं नहीं बुला सकता तो फिर ये कहा गया कि नहीं जो जेनेटिक कोड है वो डुप्लेट नहीं है बल्कि ट्रिपलेट है तो इसका मतलब यह होगा कि हम अब इस काबिल हैं कि हम डेफिनेशन बना सकते हैं किस चीज की एक जेनेटिक कोड की तो जेनेटिक कोड इज बेसिकली जेनेटिक कोड इज अ इज अ सेट ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड्स इट इज अ सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स डेट स्पेसिफाई जो स्पेसिफाई कर देता है स्पेसीफाई फॉर अ सिंगल अमाइनो एसिड सिंगल अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है राइट इंपॉर्टेंट एंड इट्स सीक्वेंस और इसकी जो तरतीब है इट डायरेक्ट जब मैं वर्ड यूज करता हूँ डायरेक्ट ये Uh, क्या करता है डायरेक्शन देता है ये नसीहत करता है ये उसके किरदार की तामीर करता है कि तुम्हें अब क्या करना चाहिए और थैंक्स गॉड कि अनलाइक वी और यू हम इसकी जो डायरेक्शंस होती हैं उसको तो कभी भी डिस नहीं करते इसलिए हमारी 99.99 नाइन .99 परसेंट प्रोटीन बिल्कुल सही होती हैं और अगर इसको ओबे ना किया जाए तो प्रोटीन में काफ़ी ड्रास्टिक किस्म की ख़राबी आ सकती है जो टाइम एक डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट को अरेस्ट भी कर सकती है इट मे स्टिल बर्थ तो इसलिए वो बे करना किसी भी चीज का इतना ज्यादा जरूरी होता है तो हम बातें करें एंड इट्स सीक्वेंस एंड इट्स सीक्वेंस डायरेक्ट्स। डायरेक्ट से मतलब होता है उसको डायरेक्शन देना डायरेक्ट व्हाट द सीक्वेंस ऑफ अ एसिड और अल्टीमेटली प्रोटीन तो किसी भी प्रोटीन को बनवाने के लिए हमें अमाइनो एसिड की नेचर और उसकी तरतीब दोनों का पता होना चाहिए अमाइनो एसिड की नेचर उसकी तरतीब हमें कौन बताता है सीक्वेंस ऑफ निक्लोटाइड्स जो कहाँ प्रेजेंट था हमारे इस वट uh, मैसेजर आने के अंदर किसकी फॉर्म में ट्रिपलेट की फॉर्म में तो हमने लिखा सेट ऑफ थ्री निक्लोटाइड दैट स्पेसिफाई फॉर अ सिंगल अमाइनो एसिड

गेमाओ एक साइंटिस्ट साइंट जिन्होंने ये प्रपोज किया था जी एम ओ डब्ल्यू गेमाओ उन्होंने ये प्रपोज किया था कि जेनेटिक कोड डुप्लेट हो सकता है राइट उन्होंने बाद में प्रपोज किया कि नहीं हो सकता आखिर उन्होंने पहले जेनेटिक कोड को डुप्लेट हो सकता है नहीं सो कैसे टेस्ट किया उसको देखते हैं कि उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाए दो दो न्यूक्लियोटाइड्स के आपस में याद है यू सी ए जी ये क्या है ये न्यूक्टाइड है साइटोसिन सेल साइटोन ये क्या है चार से. सेम सिक्वेंस यहां से लगाया हुआ है और अगर हम इन सबको ऐसे लिख लें, ए जी चारों आर ओर से आए हैं और इनके साथ यहां से क्या लग सकता है यू यू तुम आम की तरफ से आ सकता है राइट right? और अगर मैं फिर यहां पर यही लिखूं यू सी ए यू सी ए जी क्योंकि इस तरफ से यही आ रहा है यहां पर भी यू सी ए जी और यहां पर भी आ रहा है यू सी ए जी राइट और यहां पे क्या आएगा स्टूडेंट्स यू सी ए जी सी इस तरफ से आ रहा है और ये वाला सी इस तरफ से आ रहा है तो सी सी हो जाएगा सी इस तरफ से आ रहा है ए इस तरफ से आ रहा है तो सी ए बन जाएगा सी इस तरफ से आया है और जी इस तरफ से आएगा तो क्या बन जाएगा सी जी सिमिलरली ए इस तरफ से आया है और सी यहाँ से आएगा ए इस तरफ से आया है और ए ही यहाँ से आया है ए इस तरफ से आया है और जी इस तरफ से आएगा तो ऐसे हम लोग इनको क्या कर लेंगे कंप्लीट कर लेंगे राइट right. तो मेरे पास फोर का स्क्वायर के लिहाज से फोर का स्क्वायर के लिहाज से फोर इंटू फोर इज इक्वल टू सिक्सटीन कॉम्बिनेशन बनते हैं जैसे मैंने बोला था कि मोहम्मद शाहिद और शाहिद महमूद ये दो डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स थे तो डेफिनेटली मेरे पास दो डिफरेंट शाहिद को बढ़ाने की एबिलिटी बढ़ गई है लेकिन अगर मेरी क्लास में फ़ॉर एग्ज़ाम्पल दो शाहिदों जिनका नाम शाहिद महमूद हो, हो सकता है प्रोबेबिलिटी है अब मैंने तो तो को डिफ्रेंशिएट करना होगा तो शायद मुझे उनके साथ तीसरा नाम भी ऐड करना पड़ेगा मुमकिन है कि उनमें से एक बट साहब और एक हमारे शेख साहब हो तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा अगर मैं उन दोनों को डिफ्रेंशियट करके बनाना चाहता हूँ तो मुझे शेख शाहिद महमूद या शाहिद महमूद जो है वो क्या बट करके नाम बनाना पड़ेगा तो कह देगा मकसद तो मेरे पास ये है कि फिर मुझे तीन नामों का साथ देना पड़ेगा अगर मैं नॉन एम्बिगुअस वे में क्या कर हूं, तो करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कॉल करना चाहता हूँ तो जू जू हम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बढ़ाते चले जाते हैं तो एम्बिगुटी कम होती चली जाती है अगर मैं शाहिद बोलूँगा तो तीन बच्चे हाथ खड़ा करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मोहम्मद शाहिद बोलूँगा तो एक बच्चा खड़ा करेगा और अगर मैं शाहिद महमूद की बात करूँगा तो दो शाहिद महमूद होंगे लेकिन अगर मैं प्रॉपर बोलूँ कि शेख महमूद शाहिद और शाहिद महमूद बट तो फिर डेफिनेटली इंडिपेंडेंट लोग खड़े होंगे तो कहने का मकसद मेरे पास ये है कि यही वाला का हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर हम जेनेटिक कोड को नॉन एम्बिगुअस बनाना चाह रहे हैं तो उस वक्त हमें कॉम्बिनेशंस को बढ़ाना पड़ेगा फिर हमें नंबर ऑफ जेनेटिक मेकअप्स टू टू नहीं करने पड़ेंगे बल्कि अब हमें फोर का क्यूब यानी पावर थ्री इस्तेमाल करूं यानी कि अगर मैं फोर की पावर थ्री इस्तेमाल करूं तो इसका मतलब ये होगा कि फोर इंटू फोर इंटू फोर इट विल बी इक्वल टू सिक्सटी नाउ आई कैन हैव सिक्सटी फोर यूजिंग थ्री न्यूक्लियोटाइड्स तो जब हम तीन डिफरेंट इस को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास 64 कोड्स बन जाते हैं अब मेरे पास कोड्स हैं जेनेटिक कोड 64 और और अमाड कितने लगे हैं 20। इट इट मीनस नो आई हैव सरप्लस अमाउंट ऑफ व्हाट? जेनेटिक कोड्स अब मेरे पास कोड ज्यादा हो गए हैं और अमानो एसिड कम हो गए हैं कोई बात नहीं नो प्रॉब्लम एट ऑल हम यू भी कर सकते हैं कि हम एक एसिड को एक से ज्यादा नंबरों से या नामों से कॉल कर लें राइट right? और ऐसा भी हो सकता है कि हम इनमें से किसी जेनेटिक कोड को किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल कर लें और ऐसा भी हो सकता है कि हम इनमें से बास को एक्सेप्शन के तौर पर यूज कर लें ये हम आगे चल के देखेंगे लेकिन एटलीस्ट नाउ वी आर खुद का फील वी आर सेल्फ सफिशेंट इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक कोड जेनेटिक कोड सिक्स एंड अमाइन आर जस्ट वॉट ट्वेंटी ठीक है इन जेनेटिक कोड्स के ऊपर तीन साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा काम किया आपको याद होगा कि मैंने लास्ट बोर्ड आपसे ये बात की थी कि हम लोगों के पास ये एबिलिटी आ गई थी कि हम अपनी पसंद के को जोड़ जोड़ के डिफरेंट किस्म के आदि खुद सिंथेसाइज कर सकते थे और उसको ट्रांसलेट करवा के डिफरेंट टाइप के बान से जो कॉल होते थे उसको बुला सकते थे फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हो सकता था कि हम पॉली ए को जोड़ लें मीन्स ए ए ए को आपस में जोड़ लें सारी की सारी चेन ए ए की बना लें और देखें कि उससे कौन सा अमानो एसिड कॉल होता है सिमिलरली मैं सारी चेन यू 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 की बना लूं और देखूं कि उससे कौन सा अमान एसिड कॉल होता है इस तरह से मैंने डिफरेंट किस्म के कॉम्बिनेशन बना बना के देखे और टेस्ट किया कि क्या अमाइनो एसिड सिंगल न्यूक्लियोटाइड से कॉल होता है या डुप्लेट से कॉल होता है या ट्रिपलेट से कॉल होता है तो जरा देखते हैं कि अगर हम सारी की सारी चेन को क्या बना ले लुक एट दिस एनिमेशन अगर मैं सारी की सारी चेन सिर्फ दो किसकी की ए ए ए ए यू 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 राइट अगर ऐसा हो रहा होता कि एक अमाइनो एसिड एक न्यूक्लियोटाइड से कंट्रोल होता तो फिर यहां पे दो किस्म के अमाइनो एसिड आपस में मिलने चाहिए थे और उसकी बडी चाहिए थी क्या एक पॉली पेप्टाइड चेन लेकिन ऐसा नहीं हुआ फिर मैं ये देखता हूं कि अगर हम इसको दो दो का कॉम्बिनेशन जोड़ें तो फिर भी इसके पास हर दो के बाद एक मास्टर ऑल्टरनेटर चाहिए था लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ बल्कि हमारी तो के बरक्स बड़ी अजीब किस्म का इस सबका कॉम्बिनेशन बन गया इसका मतलब ये था कि अमाइनो एसिड दो से भी कोड या कंट्रोल नहीं हो रहा था तो फिर हम लोगों ने तीन तीन अमाइनो एसिड के सेम सीक्वेंसेस को तीन तीन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस को आपस में ऑल्टरनेट करके देखा कि यस नाउ एज पर आर यू कैन से एक्सपेक्टेशन हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन डेवलप हो रही है तो इससे पता चला हमारे पास कि जेनेटिक कोड जो है वो कैसा होता है ट्रिपलट इस पर्पस के लिए तीन साइंटिस्ट गुरुओं ने बहुत ज्यादा डेडिकेशन और एथिज से काम किया उनमें से एक का नाम क्या था मेरे पास स्टूडेंट्स उनका नाम था मार्शल नारेनबर्ग मार्शल नायरेनबर्ग अदर वन वॉज फिलिप लीडर एंड थर्ड वॉज Khurana। मैं अपने स्टूडेंट से मुखातिब हूं ये एक हिंदू साइंटिस्ट थे ही वॉज बेसिकली और जो इंडियंस हैं वो इन्हें अपना बहुत बड़ा कामयाब क्या कहते हैं साइंटिस्ट गर्दानते हैं और कहते हैं इनफैक्ट हकीकत ये है के पाकिस्तान भी, भी बहुत सही हिंदू रहते हैं अब भी रहते हैं और बहुत अच्छी जो कैसे फॉर्म में रह रहे हैं तो हर हरगोबिंद खुराना साहब जो थे ये बेसिकली पाकिस्तानी थे और जाहिर है ये उस हिस्से में रहते थे पंजाब के जिसको पाकिस्तान में आता है और उस जमाने में इसका नाम रायपुर होता था और आज ये कबीरवाला के नाम से मशहूर है इट इज़ वेरी क्लोज़ टू ये कैसे उकाड़ा और बुल्तान तो इस पर्टिकुलर एरिया में ये साइंटिस थे उन्होंने तो हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी जो आज भी पंजाब यूनिवर्सिटी है वहाँ से उन्होंने एम की और उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज़ में गया और फिर उन्हें एम आई टी मैसाच्यूसिट्स यूनिवर्सिटी में काम करने का मौका मिला जहाँ पे वो इन जैसे अजीम साइंटिस काम कर रहे थे और उनका नाम डेफिनेटली हमारी इस यू uh, कैन से बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में बड़ी इज्जत से लिया जाता है आई एम टॉकिंग अबाउट मार्शल नायरनबर्ग फिलिप लीडर एंड हरगोबिंद खुराना तो इन तीनों लोगों ने जिनमें से फिर बात कर रहा हूं इंडियंस क्लेम करते हैं कि वो इंडियन थे बट वी क्लेम कि वो पाकिस्तानी थे सो एनी हाउ इन तीन लोगों ने फिर क्या किया इन्होंने हमें ये बताया थ्रू देयर एक्सपेरिमेंट्स जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किए कि उन्होंने कैसे पहले एक एक, एक निकोटेट को लेकर पीएनसी बनाई थी पीएनसी स्टैंड फॉर पॉलिटोर चेन फिर उन्होंने दो दो का यू कोड यूज किया फिर तीन तीन का कोड यूज किया तो कन्फर्म हो गया कि जेनेटिक कोड इज स्टेपलेट अब हम देखते हैं कि उन्होंने जेनेटिक कोड को ट्रिपलेट कैसे बनाया तो पहला वे तो यही है कि क्या किया कि पहला यहां से लिया है फर्स्ट फर्स्टाइड इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड सो वी कैन यूज यू चार दफा इस्तेमाल करना है हम लोगों ने यहां पर रहे हैं तो मैं अभी आपको इसका आंसर देता हूं कि पहली बात है ये वाला यू यहां से इस्तेमाल हो रहा है और ये रेड यू हम यहां से यूज कर रहे हैं इट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड यू यू एंड यू सो इट मीन के फर्स्ट टू आर यू 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 अब जो यहां पे कोड है वो क्या है यू सी ए जी यहां पे भी लिखा हुआ है मैंने यू सी ए जी हम ये थर्डोटाइड यहां से लेंगे फर्स्टाइड इज कमिंग फ्रॉम साइड सेकेंड इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड एंड थर्ड इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड तो थर्ड कैसा लिखा हुआ है ब्लैक तो भी लिखूंगा ब्लैक तो ये बन जाएगा U C A और G राइट right? तो ये जो मेरे पास एक बॉक्स है उसमें बन गए चार कोड दोबारा लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल यहां से क्या आ रहा है मेरे पास सी तो लिखते हैं यहां पे सी 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 और यहां से क्या आ रहा है यू वी कैन राइट यूर U यू 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 एंड देन फाइनली यू सी ए जी इसका कमिंग फॉर्म दिस साइड तो अब लिखेंगे क्या यू सी एंड जी कौन बताएगा आप में से कि यहां पे क्या इस्तेमाल होगा है ए हो तो ए चारों मर्तबा यहाँ पे ए इस्तेमाल होगा ए ए ए एंड ए यहां पे इस्तेमाल होगा यू यू बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड यू तो यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग यू और वहां से क्या आ रहा है यू सी ए जी दैट इज ब्लैक तो हम लिखेंगे यहां पर यू सी ए जी राइट तो अब देखा कि मेरे पास एक स्क्वायर में चार आ, क्या आ गए हैं ट्रिपलेट्स आ गए हैं ट्रिपलेट नंबर ट्रिपलेट नंबर टू ट्रिपलेट नंबर थ्री ट्रिपलेट नंबर फोर तो जब मैं इन सिक्सटीन के सिक्सटीन को कवर करूंगा तो मेरे पास फोर इंटू सिक्सटीन के लिहाज से वही सिक्सटी फोर कॉम्बिनेशन बन जाएंगे राइट right? मिसाल के तौर पे ये जो मेरे पास ये वाले दो कॉम्बिनेशन हैं दे आर देयर फॉर ल्यूसीन राइट एंड दीज पर्टिकुलर फोर कॉम्बिनेशन they are also for leucine and these two they are there for isoleucine isoleucine point to be noted ki agar main aua aur aug ki baat karu to inme se ek pehla wala it is meant for methionine ise hum log met likhte hain methionine ko aur ye jo aug hai it is basically a start signal ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्टार लगा रहे हैं आप लोग कि ए यू जी जो है स्टार्ट सिग्नल है पाकिस्तान और इंडिया के लोग इसको सारी समझ सकते हैं कि हमारी जो आजादी की जिंदगी है वो अगस्त से स्टार्ट हुई तो समझ लें कि प्रोटीन सिंथेसिस भी अगस्त ए यू जी से स्टार्ट होती है इफ़ यू वॉन्ट टू हैव इट एज अ क्लू इन योर माइंड यू कैन हैव तो अगस्त ए यू जी इट इज अ स्टार्ट सिग्नल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस कि जहाँ कहीं भी येवा जेनेटिक कोड आएगा वहां पे सिग्नल या प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी तो हमने ये देखना है कि इनमें से कोई ऐसा सिग्नल भी है कि जो स्टॉप के तौर पे काम कर रहे हैं तो आंसर इस यस वी हैव थ्री सिग्नल्स जो स्टॉप सिग्नल के तौर पे काम कर रहे होते हैं फॉर एग्जांपल हियर आर द सिग्नल अगर आप जाके अपनी बुक पे चलाटे कोड देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यू ए जी यू ए जी यू ए और यू ए ए और यू ए जी ये दोनों के दोनों स्टॉप सिग्नल के तौर पे काम करते हैं इसका क्या मतलब होगा कि अगर ये वाले मैसेजेस किसी भी प्लेस पर आ जाएंगे कि यहाँ पर मैसेज लड़ने के ऊपर तो फौरी तौर पे प्रोटीन सेंसाइजिंग मशीन या प्रोटीन सेंसाज काम रुक जाएगा इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अगर आप यहां पर देखें तो आपको नजर आएगा यहां पर यू जी जी यू जी जी सॉरी यू जी ए यू जी ए ये भी क्या है एक स्टॉप सिग्नल है तो टोटल तीन स्टॉप सिग्नल हैं एंड यू जी ए राइट ये तीनों के तीनों स्टॉप सिग्नल हैं यानी कि जब भी ये वाले सिग्नल आएंगे तो प्रोटीन असेंबली खत्म हो जाएगी और प्रोटीन सिंथेसिस सेंटली वहां पे फॉरन रुक जाएगी ये सारी बातें पढ़ने के बाद अंडरस्टैंड करने के बाद आए हम इस जेनेटिक कोड के कुछ फीचर्स देखते हैं सो so, yes, हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट जेनेटिक कोड की जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट हमारा जेनेटिक कोड है इट इज ट्रिपलेट इसका मतलब ये है कि ये तीन तीन दिन का बना हुआ है बहुत सारा डिटेल्स डिस्कस हुई आप लोगों के साथ आखिर ये ट्रिपलेट क्यों है राइट right? फिर हमने ये देखा कि टोटल कितने में थे 64 64 तो में से जो 61 61 आउट ऑफ दे आर बेसिकली कोडिंग फॉर सम स्पेसिफिक अमाइनो एसिड तो ये किसी ना किसी अमायनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं इसलिए हम 64 में से 61 को कोडिंग मैसेजेस बोलते हैं और उसके बाद जो मेरे पास बच गए कितने थ्री आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि उनमें से जो है कुछ स्टार्टिंग सिग्नल है कुछ स्टॉप सिग्नल है राइट right. फिर आगे हम ये बात करें हैं कि जो हमारा जेनेटिक कोड है जेनेटिक कोड इट इज डी जेनरेटिंग जेनेटिक कोड इज डी जेनरेटिंग इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जेनेटिक कोड एक अमाइनो एसिड को कॉल करने के लिए एक से ज्यादा हो सकता है इसके लिए हम प्रीवियस बोर्ड पे मूव करते हैं आपको दिखाते हैं कि हम लोग क्या बात करना चाह रहे हैं कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं कि जेनेटिक कोड इज डिजेनेटिंग इसका मतलब दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हम एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा जेनेटिक कोड से कॉल कर सकते हैं लुक एट दिस इसके लिए मूव करना पड़ेगा हमें प्रीवियस बोर्ड पे यस ये स्टूडेंट्स आप इसको देखें अगर आप इस सेकेंड ब्लॉक को देख रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि सी यू जी सी यू ए सी यू सी सी यू यू एंड देन यू यू जी एंड देन यू यू ए ये सारे के सारे छः डिफरेंट किस्म के जेनेटिक कोड्स ये एक ही हमारे को तो कॉल कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज वाट डू सी तो इस पर्टिकुलर चीज का मतलब ये है कि हम डाउन कर रहे हैं मुख्तलिफ किस को जेनेटिक कोड्स को टू अ सिंगल अगलो एसिड इसका मतलब है कि जेनेटिक कोड इज सो लेट्स मूव बैक टू द थर्ड बोर्ड यस माय डियर स्टूडेंट्स हम बात ये कर रहे हैं कि जेनेटिक कोड इज डिजनरेटिंग एग्जाम्पल दी मैंने आप लोगों को दोबारा देखते हैं कि अगर आप लोग सी यू यू की बात कर लेते हैं आप लोग सी यू सी की बात कर लेते हैं आप लोग सी यू ए की बात कर लेते हैं या आप लोग सी यू जी की बात कर लेते हैं तो ऑल ऑफ देम दे आर बेसिकली कोडिंग फॉर ल्यूसीन राइट ये जो सिर्फ चार हैं अगर आप लोग सेरीन की बात करेंगे तो उसको कॉल करने के लिए छह क्या है सेट ऑफ डिक्स हैं फिर अगली बात हमारे पास या जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इसको आपने बहुत ही ज्यादा ध्यान से गौर से सुनना है कि इन केस ऑफ जेनेटिक कोड आपको याद है कि जब मैंने बोर्ड नंबर वन पे क्या बनाया था याद है मैंने बनाया था एक अदद मैसेजर आ रहा कुछ ऐसे और लिखा क्या था कि वहां पे ऐसे ऐसे स्पेसेस हैं राइट और ये तीन तीन टाइर्स आपस में इस तरह साथ साथ नहीं जुड़े हुए बल्कि फासले फासले पर हैं ये मैंने कहा था कि गलत है क्यों ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था इन फैक्ट देर इज नो पंक्चुएशन इन जेनेटिक कोड तो हम बोल रहे हैं कि जेनेटिक कोड इज Without punctuation, पंक्चुएशन इट मीन्स देयर इज नो पंक्चुएशन इसका मतलब मेरे पास क्या है कि देर इज नो कॉमा देर इज नो सेमाइकॉलम देर इज नो फुल स्टॉप ऐसी कोई चीज़ नहीं है मेरे पास ठीक है ऐसी मेरे पास कोई चीज़ नहीं है इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं बोर्ड वन पे बनने वाली आने की डायग्राम को ठीक करना चाहता हूँ तो मुझे इसे कुछ ऐसे करना पड़ेगा राइट सो देर इज नो गैप देर इज नो पंक्चुएशन देर इज नो कॉमा ये चीजें बिल्कुल कॉन्टिन्यूस चल रही होती हैं, राइट right? बिल्कुल ऐसे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं यहाँ पर कि कौन सा कोड किसके लिए है लेकिन ये बात जरूरी है कि यहां पे एक जीरो पॉइंट है उस जीरो पॉइंट का स्टार्ट किससे होता है ए से फर्स्ट कर लेते हैं कि जो पहला कोड है ये ए है इसका मतलब ये है कि यहां पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद हमेशा इसको तीन तीन की फॉर्म में रीड किया जाएगा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग मैंने एक वर्ड यूज किया कि जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग इसका मतलब मेरे पास क्या है जब मैं वर्ड यूज करता हूं नॉन ओवरलैपिंग इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने इसको यहां से पढ़ना शुरू किया है राइट right? तो मैं इसको यहाँ से भी पढ़ना शुरू कर सकता हूँ यहाँ से पढ़ना शुरू कर सकता हूँ ऐसा नहीं है मैं इसको किसी खास सेट पॉइंट से ही रीडिंग इसकी स्टार्ट करूंगा अगर यहां पर हो जाती है हमारे स्टूडेंट डिलीशन फॉर एग्जाम्पल कि मैंने इस पर्टिकुलर डिक्लोटाइड को यहाँ से निकाल दिया फॉर एग्जाम्पल अब ये नहीं है कि मैं इसको तीन रीड करूंगा और इसको आगे फिर तीन और ये तीन ऐसा होगा ऐसा नहीं है बल्कि अगर ये वाला डिटोटर यहाँ से मिस हो गया तो फिर श्योर शॉट ये के साथ जुड़ गया होगा अब हम इसको यू पढ़ना शुरू कर देंगे ये वाला तीन फिर उसके बाद ये वाले तीन फिर उसके बाद ये वाले तीन फिर ये वाले तीन रिजल्ट क्या होगा इसके रिजल्ट ये होगा मेरे पास कि एक अमाइन एक न्यूट्राइड के मिस होने से जब हम इसको रीड करेंगे तो एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगी कौन म्यूटेशन होगी स्टूडेंट्स फ्रेम शिफ्ट यानी कि एक चीज के खराब होने से आगे कॉल होने वाले सारे के सारे माउंड की क्या हो जाएगी कॉल चेंज हो जाएगी देर फोर डिलीशन म्यूटेशन आर वेरी वेरी डेंजरस एट द लेवल ऑफ मैसेजर आर एन ए अगर एक भी डिक्रोटाइड उसमें से कम हो गया तो जहां से भी जहां से भी कम होगा उसके आगे सारे के सारे माइंड कभी भी वो कॉल नहीं होंगे जो होने चाहिए थे उनकी नीचे ऑल टुगेदर क्या होगी बदल जाएगी और प्रोटीन की शकल बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी और प्रोटीन कभी अपने वो काम नहीं करेगी जो उसे करने चाहिए थे इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन तो हम कह रहे हैं कि जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग ऐसा नहीं है कि एक खत्म होगा तो बाकी अगर सही चलते रहेंगे ऐसा नहीं है अगर एक खराब हुआ तो बाकी सारे की स्टडी भी क्या हो जाएगी एबनॉर्मल हो जाएगी राइट एंड नेक्स्ट थिंग वी वॉन्ट टू सी इज कि जो हमारा जेनेटिक कोड है इट इज बेसिकली नॉन एम्बिगुअस जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस इसका क्या मतलब है इसका मतलब मेरे पास स्टूडेंट्स ये है कि हमारे ट्रिपलेट को रीड करने के बाद हमारे जेनेटिक कोड को ये बिल्कुल पता है कि किस की बारे में बात की जा रही है फिर उसके बाद इसको रीड करने वाला मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर आर एन भी ये बात पता है कि दिस पर्टिकुलर जेनेटिक कोड इज फॉर मी एंड आई हैव टू फेच अ वेरी 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 स्पेसिफिक कमानो एसिड ऐसा नहीं हो सकता सिट रीड कुछ कर रहा हो और उसको दिया कुछ और जा रहा हो तो हमारा जेनेटिक कोड बिल्कुल भी नहीं है उसे यह बात पता है कि मुझे किस किसान को कॉल करना है तो उसके लिए मुझे उन चारों में से कौन सा एक क्या चाहिए ट्रिपलेट चाहिए है। या वही एक स्पेसिफिक ट्रिपलेट चाहिए है जो कि क्या करेगा एक खास को ही कॉल करेगा तो आवर जेनेटिक कोड इज वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर इन इट्स कॉन्सेप्ट उसे यह बात पता है कि मैंने कौन सा जेनेटिक कोड देना है तो कौन सा माइनोसिड कॉल होगा और कभी दूसरा माइसिड कॉल नहीं हो सकता ता वक्त है कि हमारे पास कोई म्यूटेशन नहीं आ जाती और फ्रेम शिफ्टिंग नहीं हो जाती अदरवाइज एवरी जेनेटिक कोड इज वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड एंड आई वॉन्ट टू सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन दैट जेनेटिक कोड इज जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल

वही वाला कोड हम इंसानों के अंदर भी है तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल बट एक्सेप्शन इज ऑलवेज़ देयर राइट इतनी ज्यादा यूनिवर्सियलिटी होने के बावजूद हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हमें एक्सेप्शन पढ़ने पर मजबूर कर देता है एंड दैट वेरी ऑर्गेनल इज माइटोखांड्रिया दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनैल यू नो इट इज अ पार्ट ऑफ यू के इट इज हाउस ऑफ द सेल इट प्रोवाइड्स एनर्जी तो जैसा वहाँ पर काम कर रहा है, ये करते हैं हम लोग के के मेरे पास चार एक्सेप्शन है जो मुझे माइटोकॉन्ड्रिया में नजर आती है फॉर एग्जाम्पल आपने अभी देखा था कि अगर आप लोगों के पास यू जी ए आए तो इसका नॉर्मल मीन बैक्टीरिया से लेकर हम इंसानों तक आम तौर पे क्या कॉन्सेप्ट है कि जहाँ कहीं भी यू जी आएगा तो आपने क्या कर देना है प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देना है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में इसका मतलब नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया में यू जी ए का मतलब है कि भाई मेरे लिए ट्रिप्टोफेन लेकर आओ क्या लेके आओ ट्रिप्टोफेन लेकर आओ तो यहाँ पर अमाइनो एसिड कॉल होता है लेकिन जब यही वाला यू जी ए हमारे मैसेजर आर में आता है तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है राइट right. फिर अगर आपको देखा था आप लोगों ने प्रीवियस बोर्ड में कि अगर हमारे पास ए यू ए आता है तो इसका मतलब मिथायोनिन होता है क्या होता है स्टूडेंट इसका मतलब मिथायो मिथायोनिन राइट right? लेकिन अगर आप इसे माइट्रोकॉन्ट्रिया तो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इट इज बेसिकली कॉलिंग कॉलिंग वॉट आइसोल्यूसिन क्या कूड हुआ माइट स्टूडेंट्स आइसो Leucine. अब आप देखते हैं कि व्हाट अबाउट द लास्ट टू हम वे वे डिस्कसिंग अबाउट एजीए और एजीजी एजीए और एजीजी आप अगर देखेंगे अपनी बुक पे जरा टेकोगे टेबल में तो आपको नजर आएगा कि इट इज बेसिकली कॉलिंग बट आर्जिनिन इट इज कॉलिंग एन अमाइनो एसिड नोन एज आर्जिनिन लेकिन यहां पे भी हमारे हजरत माइटो रही क्या कर रहे हैं वो एक एक्सेप्शन शो कर रहे हैं और वो कहते हैं जनाब कि मैं तो ए जी ए और ए जी जी को एज अ टर्मिनेटर सिग्नल इस्तेमाल करूंगा तो यहां पे ये यह इसका स्टॉप या टर्मिनेटर सिग्नल के तौर पे इस्तेमाल होता है तो ये एक्सेप्शन हमें कहा नजर आती हैं ए सोगल में दैट इज गोइंग टू मेक ए फॉर अस दैट इज माइटो फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हैं डिस्कस हुआ आप लोगों के साथ जरूरत होगी डिस्कस करने की लेकिन दोबा देता हूँ आप लोगों के पास कि हमारे पास कुछ कोड्स कैसे हैं इनिशिएशन कोडोन हैं वैन एवर वी यूज इनिशिएशन कोडोन तो इसका मतलब ये है कि आपने अगस्त के महीने को याद रखना है तो वैन एवर वी सी ए यू जी अगस्त का महीना तो हमारी आज़ादी शुरू हो गई हमारी प्रोटेक्शन शुरू हो गई और अब हम बात करते हैं किसकी टर्मिनेशन सिग्नल्स की टर्मिनेशन सिग्नल्स की तो आपको पता है डिस्कस किया था मैंने आप लोगों के साथ कि हमारे पास टर्मिनेशन सिग्नल्स कितने हैं वो भी तीन हैं वन ऑफ़ दैम इज़ कॉल्ड एज यू जी एंड अदर वन इज़ यू ए जी एंड लास्ट वन इज़ यू ए तो इनको मैंने काला भी से ही देखा है ताकि आपको याद होकर यू जी ए जी एंड यू ए ए आर बेसिकली स्टॉप कोडॉन्स ठीक है अब इसको याद करने के लिए यू गो अवे मैं आपसे कह रहा हूं कि यू गो अवे तुम चले जाओ तो मैं देख रहा हूं यू आर गॉन यानी कि तुम जा चुके हो मैंने आपसे कहा कि तुम चले जाओ और अब तुम जा चुके हो जब तुम दूर चले जाओगे तो जाहिर है यू आर अवे अब तुम मेरे से बहुत दूर हो तो आप इससे भी जान सकते हैं यू गो अवे यू आर गॉन एंड यू आर अवे तो इससे भी आप हमारे टर्मिनेशन को क्या कर सकते हो या याद रख सकते हो तो जाहिर है क्या टबी हो जाएगी शायद तुम्हारी याद अब तुम मेरे पास नहीं होगे, तो मुझे तुम्हारी याद आना भी बंद हो जाएगी मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी लास्ट थिंग इज कि इन पर्टिकुलर सिग्नल्स को यू जी ए यू ए जी और यू ए ए को हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अगर ये ना हो तो हमारी तो प्रोटीन रुकने का नाम ही न ले तो ये एक बहुत बड़ी ब्लैसिंग लेकिन सम टाइम ऐसा होता है सम टाइम ऐसा होता है कि ये वाले कोडोन्स ड्यू टू म्यूटेशन हमारे प्रोटीन के दरमियान में पैदा हो जाते हैं अगर ये कभी गलती से क्या हो जाए चेंज हो जाए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर यू जी जी होता तो डेफिनेटली ना आता अगर मैं जी को रिप्लेस कर दूं ए के साथ तो वो क्या बन जाएगा यू जी ए आई मीटो से कि आमतौर पे ये वाले मैज कभी भी मैसेज आने के दरम्या में नहीं आते लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये मैसेज आने के दरमियान में कहीं आ जाए अगर ऐसा हुआ तो हम इन्हें बोलेंगे कि यू आर नॉन सेंस बिकॉज तो तो तुमने प्रोटीन अच्छी खासी बनती हुई प्रोटीन को रोक दिया है और उस टाइम पे हम इन्हें तीन डिफरेंट नामों से जानते हैं फॉर एग्जाम्पल हम यू जी ए को ओपल के नाम से जानते हैं यानी कि हम कहेंगे कि जनाब यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस रुक गई है ड्यू टू ओपल ठीक है और अगर आप लोगों के पास ही तो हम अंबर साहिबा को याद करेंगे एम्बर और अंबर जो भी आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं और लास्ट पे जो यू ए ए है इसे हम ओकरा के नाम से जानते हैं राइट तो ये तीन डिफरेंट किस्म के नॉन सेंस सिग्नल्स अगर हमारे मैसेज आने के में आएंगे तो हमारी प्रोटीन कभी भी क्या नहीं होगी मुकम्मल नहीं होगी इसीलिए हम इन तीनों को ईडियट्स और नॉन सेंस सिग्नल्स के नाम से जानते हैं राइट right. तो ये हैं कुछ बातें रिगार्डिंग आवर टॉपिक दैट इज कॉल्ड एजनाटिक कोड लेकिन इसकी मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट्स मूव टू दिस एनीमेषन यस माई डर स्टूडेंट्स लुक एट दस एनीमेशन यू नो कि हम इन्वॉल्व हैं ट्रांसलेशन में और ट्रांसलेशन में बेसिकली हम एक जबान को दूसरी जबान में चेंज कर रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल कि हम अगर उर्दू का तर्जमा इंग्लिश में या इंग्लिश का तर्जा उर्दू में करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू अलिफ और B इज एंड C इज़ ईक्ल टू पे फॉर एग्ज़ाम्पल तो इस तरीके से हम डिफरेंट वर्ड्स को डिफरेंट वर्ड के साथ क्या कर सकते हैं को कर सकते हैं लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो लैंग्वेज है वो है न्यूक्लियोटाइड की जो कि सिर्फ चार हैं एडिन गोनिन साइटोसिन एंड यूरोसन बिकॉज के you यूरो know well, वक्त मैसेंजर आरएनए की बात कर रहे हैं या ट्रांसफ़र आरएनए की बात कर रहे हैं और यूनो you के know इसमें यूरासिल होता है थाइमिन I mean, नहीं होता राइट right? आप लोगों ने बात को जरा गौर से सुनना है हम इस प्रॉब्लम को कि अगर हमारे पास न्यूटाइड देखा जाए तो वो सिर्फ चार हैं और अगर अमाइनो एसिड्स की बात की जाए तो वो कितने थे ट्वेंटी हाउ वी कैन कॉल और स्पेसिफाई दीज पर्टिकुलर ट्वेंटी अमाइनो एसिड्स यूजिंग जस्ट फोर न्यूक्लियोटाइड्स तो इसके माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अंडरस्टैंडिंग के लिए दो पहलू हैं एक पहलू है हमारे पास सिंपल मैथमेटिकल अप्रोच और दूसरी हमारे पास क्या हो सकती है या है डेफिनेटली हमारे पास द बायोकेमिकल अप्रोच और द लैब अप्रोच हम आपको दोनों चीजों को साइड बाय साइड चलाकर दिखाएंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सकती हो लुक एट दिस अगर हम ये मैथमेटिकल रूल अप्लाई करते हैं के एक अमाइनो एसिड के को कॉल करने के लिए एक इस्तेमाल होगा क्या न्यूक्लियोटाइड तो आपको पता है कि हमारे पास सिर्फ चार न्यूक्लियोटाइड हैं एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन तो इससे सिर्फ चार अमाइनो एसिड ही कॉल हो सकते हैं सिक्सटीन अमाइनो एसिड्स विल रिमेन अनकॉल्ड और अनअसाइंड विद अ स्पेसिफिक कोड हमने क्या किया हम लोगों ने इस चीज को टेस्ट करने के लिए अपनी बायोकेमिकल लैब का सहारा लिया हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया एक पॉली एडिन स्टूडेंट्स तो जब हम लोगों ने एडिनिन चेन बनाई तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन ऑप्टेन हुई इट वॉज रिच इन लाइसिन यू गॉट पाई पॉइंट बात को आपने एनिमेशन में देखा भी कि अगर हम पॉली ए चेन इस्तेमाल करते हैं तो मेरे पास लाइसिन पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है इट मीन्स सिंपल एडिनिन इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉल वट लाइसिन हमने दूसरे स्टेप में क्या किया कि हम लोगों ने पॉलीगुअ क्या बनाई पॉलीनिट्राइड चेन बनाई जब हम लोगों ने गुआनिन चेन बनाई तो उससे हमारे पास ग्लाइसिन पॉलीपेप्टाइड चेन बनी यानी कि जो गुआनिन है वो ग्लाइसिन को कॉल करने के लिए काफ़ी थी हमने एक तीसरा एक्सपेरिमेंट किया और हम लोगों ने एक पॉली यूरासिल चेन बनाई लैब में सिंथेसाइज़ की और उसको पुट किया इनटू ट्रांसलेशन तो पता चला कि उससे हमेशा फिनाइल एलानीन की पॉलीपेप्टाइड चेन ही बनती है और लास्टली हम लोगों ने जब साइटोसिन की चेन को बनाया तो हमें पता चला कि उससे एक पॉली प्रोलिन चेन बनती है जैसा कि आप लोगों को इन सारे इनमेशन में मेरे लफ्ज के साथ साथ नजर भी आता रहा इसका मतलब यह होगा ओनली एडिनिन कैन कॉल लाइसिन ओनली गोनिन कैन कॉल ग्लाइसिन ओनली यूरासिल कैन कॉल फिनलिन एंड ओनली साइटोसिन कैन कॉल प्रोलिन तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल 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 सिंगल, सिंगल वट निक्लोटाइड्स कैन कॉल ओनली वन टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स हम लोगों ने दोबारा मैथेमेटिक्स के साथ रुझू किया तो मैं पता चला कि जो मैथमेटिशंस हैं वो हमें एक और एक और यू कैन से सॉल्यूशन दे रहे हैं और वो सॉल्यूशन होता है परम्योटेशन का परम्यूटेशन का मतलब मेरे पास ये होता है कि हम दो, दो निक्लोटाइड्स को आपस में मिला के डिफरेंट किस्म के कॉम्बिनेशन बनाए तो आपने बोर्ड पर देखा था कि अगर हम लोग दो दो निक्लोटाइड को आपस में मिलाते हैं तो इस तरह से हमारे पास 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन जाते हैं इसका मतलब ये होगा कि अगर हम मैथमेटिकल अप्रोच को इस्तेमाल करेंगे तो उसके रिजल्ट में अभी भी दो दो की के कॉम्बिनेशन के बावजूद फोर निक्लोटाइड्स सिक्सटीन अमाइनो एसिड को कॉल कर सकते हैं हमारे पास फोर अमाइनो एसिड स्टिल अनकोडेड हैं हम लोगों ने क्या किया फिर भी हम लोगों को यकीन नहीं आया और हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चीज को टेस्ट किया लैब में जाकर हम लोगों ने कहा चले देखते हैं कि क्या अगर मैं दो दो का कॉम्बिनेशन बनाऊं तो कोई चेंज आती है हमारी फाइंडिंग के अंदर तो हमने सबसे पहले एडिनिन और यूरासिल एडीनिन और यूरासिल एडिनिन यूरासिल को मिला मिला के एक पॉलीडाइनलोटाइड चेन बनाई वाई आई यूज डाइन बिकॉज इट हैज़ गॉट टू डिफरेंट वन वन ऑफ द अदर इज यूरासिल आपको याद होगा कि अगर मैंने यूज किया था एडिनिन तो आया था मेरे पास व्हाट लाइसिन और जब मैंने यूज किया था यूरासल तो आया था क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहा है तो फिर हमारे एक्सपेक्टेशन क्या है कि अब हमारे पास चीज बननी चाहिए लाइसिन फिनाइल एलानी लाइसिन लाइसिन फिन लेकिन ऐसा नहीं हुआ जो चीज हमें ऑप्टेन हुई वो क्या थी लियोसिन और टाइरोसिन के कॉम्बिनेशन लियोसिन टायसिन लियोसिन टोसिन लियोसिन टायरोसिन इसका मतलब ये हुआ कि हमारी तो बरअक्स रिजल्ट आ रहा था अगर अगरचे हमारे पास दो किस्म के अमाइनो एसिड केक चें बन रही थी लेकिन ये वो अमाइनो एसिड नहीं थे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सेम इज द केस जब हम लोगों ने एक और एक्सपेरिमेंट किया और हम लोगों ने ग्वानिन साइटोसिन गिन साइटोसिन गिन साइटोसिन गिन साइटोसिन को मिला तो के एक पॉली निक्लोटाइड चेन बनाई और उसे हमने पुट किया इनटू ट्रांसलेशन तो हमें पता चला कि हमारे पास ग्लाइसिन प्रोलीन ग्लाइसिन प्रोलीन ग्लाइसिन प्रोलीन प्रोलीन की चेन नहीं बनी बल्कि हमारे पास एलानिन आर्जिनिन एलानिन आर्जिनिन और एलिन आर्जिनिन की चेन बन रही है तो यह भी साबित हो गया कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक एक पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बन रही बल्कि कोई और ही सिस्टम था यहां पर हम लोगों ने फिर अगेन परमोटेशन का सहारा लिया एक मैथमेटिकल अप्रोच का सहारा लिया और उसके बाद हमने तीन तीन न्यूट्राइड को आपस में जोड़ के कॉम्बिनेशन बनाना शुरू किए आपने देखा था लास्ट टाइम भी कि अगर हम तीन डिफरेंट जगहों से लुक एट देंड एट द टॉप एंड ऑट द राइट अगर हम इन तीन जगहों से न्यूट्राइड लेते हैं तो हमारे पास ये पहला कॉम्बिनेशन बनता है और अगर आप हम लोग आप लोगों की सहूलत के लिए इन चीजों को एनिमेट करते जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से डिफरेंट किस्म के ट्रिपलेट कोड्स बनते चले जा रहे हैं एक स्क्वेयर के अंदर आप लोगों को फोर क्या नजर आ रहे हैं पॉसिबल परमोटेशन या कॉम्बिनेशन नजर आ रही हैं और चूंकि मेरे पास टोटल सिक्सटीन कंपार्टमेंट्स हैं तो सिक्सटीन इंटू फोर मेरे पास सिक्सटी फोर कॉम्बिनेशन बन गए हैं अब माइ डर स्टूडेंट्स नाम जो मेरे पास है लोगों को देने के लिए वो ज़्यादा हैं और जो बच्चे हैं मेरे पास जिनको मैं नाम असाइन करना है वो कम है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल पहले ऐसा नहीं था अब मेरे पास जो अमानो एसिड कॉल होने हैं वो सिर्फ कितने हैं ट्वेंटी और जो मेरे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो कितने हैं सिक्सटी फोर बाकी आपने डिटेल देखी थी बोर्ड पे कि उनमें से कुछ यू कैसे वर्बलिंग होते हैं कुछ ओवरलैपिंग होते हैं कुछ डिसीशन कोड बन जाते हैं और कुछ हमारे पास टर्मिनेशन कोडो बन जाते हैं लेकिन टाइम टू चेक कि क्या जो कॉम्बिनेशन हम लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे हैं क्या वो कॉम्बिनेशन अगर मैं सिंथेसाइज करूं अपनी लेबॉरेटरी के अंदर तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास पॉलीपेप्टाइड बनती है कि नहीं तो उसके लिए हमने दोबारा से अब टेस्ट किया ए यू ए और ए यू ए यू ए यू ए यू को तो आपने देखा कि अगर मैं ए यू और ए यू और ए यू और ए यू को स्टडी करूं तो इस तरीके से मेरे पास ए यू ए और यू ए यू दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं कॉन्सिडरिंग कोडोन प्लेट तो मेरे पास दो डिफरेंट किस्म के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं दोबारा बोल रहा हूँ ए यू ए और यू ए यू हमने ये देखा कि जो ए यू ए है वो हमें हमेशा देता है वॉट ल्यूसिन और यू ए यू हमें देता है टाइरोसिन अगर हमारी ये बात ठीक है तो फिर जब हम इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से टेस्ट करेंगे तो हमारे पास आनी चाहिए ल्यूसिन टायरोसिन ल्यूसिन टैरोसिन ल्यूसिन टायरोसिन की क्या एक पॉलीपेप्टाइड चेन हमने जब इसको पुट किया इनटू टेस्ट इनटू लेबोरेटरी एनालिसिस तो हमारा गुमान बिल्कुल ठीक निकला और इस केस में जो हमारे मैथमेटिशियंस की अप्रोच थी पारोटिशन वाली वो, वो भी बिल्कुल ठीक निकली और हम लोगों ने इस तरीके से अपनी इस फाइंडिंग के ऊपर एक मुहर सब्त कर दी कि यस जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट आई होप कि इन सारी निविशंस को देखने के बाद आप लोगों को इस बात का गुमान हो गया होगा कि हम मैथेमेटिकल और बायोकेमिकल या लैब अप्रोच इस्तेमाल करते हैं टू रीच टू सर्टन कंक्लूजन दीज आर नॉट जस्ट कॉक एंड बुल स्टोरीज दीज आर द फैक्ट्स अल्लाह ताला आप लोगों को इन फैक्ट्स को समझने की फहम फ़हमता फरमाए और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप दुआ करें हमारे लिए भी दुआ करें अपने पेरेंट्स के लिए भी दुआ करें और इस दुआ के साथ कि आप अपनी मंजिल को पाने में ज़रूर कामयाब हों आई वॉन्ट टू से यू الله حافظ